हेलो फ्रेंड्स, जॉनी यहाँ पर बैठा है। अभी चावल नहीं है तो कंडल का जो चावल रहता है ना, सरकारी चावल, वो लाने के लिए जा रहा है। और आप सबसे दिखाती हूँ। और अभी धूप भी बहुत ज़्यादा दे रही है। नहाया धोया, पूजा पाठ किया, उसके बाद मैंने नाश्ता भी किया। अभी जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये भूख है जो ये नहीं रहने से तो हम लोग को चावल नहीं दे, तो ये लेके जा रहे हैं। इतना सारा धूप चल गया, अभी छाता भी नहीं लेके आया, क्या करूँ। थोड़ा दूर है और ये देखिए मैं पहुंच गया कंटल का जो चावल देता है उसका घर में। और मैं आप सबको घर जाके मिलूंगी। अभी ऑटो में जाना पड़ेगा इतना सारा चावल लेके, और मैं इसे पैदल जा रही हूँ ना, लेकिन मुझे मेरा हाथ लग रहा है कि टूट के अभी गिर जाएगा, ऐसे लग रहा है। तो अभी मैं आपको फिलहाल घर में जाके मिलूंगी। और ये देखिए ना, इतना सारा चावल मैं कैसे ले लूँगी अभी ऑटो नहीं मिलने से। और मैं घर आके पहुँच गया। और ये देखिए बेटू खेल रहा था और मम्मी ने ये आम काट रहा है अचार बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ आप सबको थोड़ा दिखाऊं। और ये अभी ये आम थोड़ा कच्चे में मतलब पूरा मीठा मीठा लगता है, अच्छा लगता है न, बड़े पापा का घर का है और कच्चे में भी मीठा लगता है। और इसका अभी अचार बनेगा। अचार कैसे बनेगा कैसे नहीं आप सबको फिलहाल मैं दिखाऊंगी। अभी तो अभी काट के अभी मतलब धूप में इसको सुखाना पड़ेगा, उसका बाद में मम्मी अचार बनाएंगी। और बहुत सारा मतलब मम्मी ने आम काटा है, धूप नहीं रहने से आम का अचार ख़राब हो जाता है बोलता है मम्मी। तो फिलहाल अभी आम सारा काट ले रहे हैं और मम्मी का सारा हेल्प भी कर दे रहे हैं। आप सबसे मिलती हूँ, आप सब देखते रहिए। यहाँ पर फिलहाल मम्मी ने हल्दी लिया है और अभी धूप में दे देंगे। और उसका और ये देखिए चाय का हम लोग का बगान में ये आंटी लोग अभी चाय पत्ती तोड़ रही है, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है ये देखिए। और आप सबको फिलहाल कारीगर चाहिए तो खाना बनाने के लिए, तो प्लीज़ बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा, आप सबको मैं भेज दूँगी। मेरा दो कारीगर है, ये देखिए खाना भी बनाता है और अपने आप खाता भी है और हम लोग को भी खिलाता है। ये दो नन्हे मुन्ने मेरे, अभी वो लोग खाना बना, ये देख रही है कितना सारा कचरा, ये उसका खाना है। दोनों बच्चे मेरा क्या बोले, दिन भर शोर। और एक ये नीचे खाना बना रहे, ये देखिए। Thank you.
और देखिए आप लोग कितना सारा खाना बनाता है मेरा बच्चा, खाना बनाते रहते हैं। और अभी शाम का टाइम है, मम्मी मैं दोनों बच्चे को लेके आई हूँ मतलब मैदान पर। अच्छा लगता है, अभी साफ भी कर दिया है। और ये लोग ना अंदर रह रहे कि ये लोग बोर हो जाता है, तो इसीलिए हम मैं और मम्मी लेके आए हूँ, ये थोड़ा सा खेल कूद ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अंदर रहते रहते वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, और शाम का टाइम का ये नज़ारा ही कुछ अलग है। ये देखिए सूर्य देवता हम लोग का अभी डूब रहा है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे है बंदर मामा, और अभी शाम पूरा होने वाला है, मतलब हो ही गया। और हम लोग घर चले आए, छोटा वाला अभी घर जाने के लिए नहीं खोज रहा है, वो फिर से जाने के लिए खोज रहा है मैदान, इसीलिए रो रहा है। मैं बड़े को गोद में लिया हूँ और मम्मी छोटे को अंदर घुसा रहा है, लेकिन वो घुस ही नहीं रहा है, उसको और खेलना है, वो रो रहा है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी शाम का टाइम है ना, अभी मच्छर भी काट लेगा, तो इसीलिए ज़्यादा देर रखना भी नहीं चाहिए बच्चे को। तो मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टाटा, बाय बाय।